नेपाल की राजनीति में उथल पुथल। प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ खत्म किया गठबंधन। दमन दीव सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका। पिछले 3 चुनाव बीजेपी जीती है, 87,000 वोट पड़े थे। मोहाली में शॉपिंग मॉल के बाहर चली अंधाधुंध गोलियां, गैंगस्टर राजेश डोगरा को उतारा मौत के घाट। आज पूरी होगी राजभर की चाहत, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। अमित शाह का महाराष्ट्र मिशन, युवा सम्मेलन में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अज्ञात हमलावरों ने की बसपा नेता की गोली मारकर हत्या। यूपीए और मोदी सरकार के 10 साल के काम के अंतर पर बहस कर लें स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को चुनौती। पीएम मोदी आज हैदराबाद और उड़ीसा के दौरे पर, 25,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। केवल 2 राष्ट्र समाधान ही दोनों पक्षों के बीच ला सकेगा स्थायी शांति, गाजा संघर्ष पर भारत। सीएम योगी क्यों पॉपुलर, हिंदुत्व नहीं इस फैक्टर ने बना दिया लोगों का नेता, हम नहीं सर्वे कह रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।